हेलो एंड वेलकम दोस्तों, रेलवे क्रैकर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो आज मैं बता रहा हूँ कि जो रेलवे के जो ग्रुप डी के एग्जाम पहले अक्टूबर का मैं ये सारा का सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहले अक्टूबर के जितने क्वेश्चन है ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ पहले से ही, बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है और यहाँ पे बहुत शोर भी है, ठीक है। तो मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो मिजोरम के राज्यपाल कुमानम राजशेखरन है, ठीक है। एप्पल के सीईओ कौन है भाई? तो टीम कुक एप्पल के सीईओ बन जाएंगे। पूजा कादियाँ किस खेल में खेल से संबंधित रखती हैं? तो वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में, मतलब उस खेल से संबंधित थे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ग्रे पीकॉक फीजन, तो ये म्यांमार का राष्ट्र पक्षी है। 2018 के फ्रेंच ओपन सिंगल की विजेता कौन है? तो ये है राफेल नडाल, ठीक है ना। 2017 लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो जावेद अख्तर जी को लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो उलान बतर मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी। ऑस्कर अवार्ड 2018 किस मूवी को मिला था? तो ऑस्कर अवार्ड द शेप ऑफ वाटर को मिला है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, पूछे गए हैं सॉरी, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आप शुरू से लेके अंत तक देखिए, ठीक है ना। ये वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और मैंने एक वीडियो बना रखा है जो 200+ क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में एक्यूरेटली आएंगे आएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैंने लिखा है और वो आपके वीडियो आपको मतलब दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। आईफा बेस्ट अवार्ड मूवी अवार्ड 2017 किसे मिला था? तो निर्जा को मिला था ये बेस्ट मूवी अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 2018 उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली। ये भी क्वेश्चन मैंने उसको वीडियो में करा रखा है, ठीक है, तो आप वीडियो देख लीजिए। रॉकेट मैन किसे कहते हैं? तो रॉकेट मैन आपको के शिवान को कहते हैं। 6000 बनाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी थी? तो क्रिकेट महिला, भारतीय महिला कौन बनी थी? तो मिताली राज बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अच्छा मुझे माफ़ करिएगा, ये यहाँ पे बहुत शोर है, तो ये मैं वीडियो अपने घर में बैठ के बना रहा हूँ, ठीक है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है आकार के क्षेत्र में पूछा है, ठीक है ना। तो आकार के क्षेत्र में 7वां स्थान है। हिमाचल राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो धर्मशाला हो जाएगी हिमाचल राज्य की दूसरी राजधानी। रविंद्रनाथ टैगोर का स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो शांति निकेतन में, ठीक है ना। नैनीताल झील कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। बैडमिंटन 2017 में किसने जीता अवार्ड जीता? जो बैडमिंटन 2017 किसने जीता? तो नोजोमी ओकुहारा। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन करा रखा है उस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा वहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख सकते हो, ठीक है। 200 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 20 मई 1498 में वह भारत आया था। सबसे भारी तत्व कौन सी है? तो ओसबीएम सबसे भारी तत्व है, वो ये भी क्वेश्चन आपको करा रखा है, ठीक है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन करा रखा है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है, ठीक है। कोका कोला में क्या मौजूद होता है? कोका कोला में कौन सा ऐसा केमिकल चीज़ है जो मौजूद रहता है? फॉस्फोरस, बहुत इंपॉर्टेंट। खून रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होगा आपका 7.4, ये आपका रक्त का पीएच मान हो जाएगा। आंखों के अंदर किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो आंखों के अंदर उत्तल लेंस लगा रहता है। आंखों के अंदर किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है आंखों के अंदर, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारिणी में कितने वर्ग तथा समूह होते हैं? तो 7 वर्ग और 18 समूह होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी करा रखा है उस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि मैंने वो 17 सितंबर से लेकर अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो उसमें मैं बता रखा हूँ, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 है तथा एक्सेलरेशन भी 5 हो तो बल क्या होगा? बल मतलब फोर्स कितना होगा? अगर मान लिया उसका जो द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान मतलब वेट 5 है, एक्सेलरेशन 5 है, तो मतलब आपको मास मिल गया और एक्सेलरेशन मिल गया, तो आपको फॉर्मूला दिया है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन मिल गया, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन, तो हो जाएगा आपका आंसर। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल आपके प्रोफेसर गणेशी लाल, ये आपके उड़ीसा के राज्यपाल हैं। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के विजेता कौन रहे? तो इंग्लैंड अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के विजेता थे। कृष्णा सोक्ति किस चीज से संबंध रखते हैं? तो राइटर थे ये कृष्णा सोक्ति, ठीक है ना। तो 2018 के साइंस तथा टेक्नोलॉजी अवार्ड किसे मिला है? तो विकास सथ्याय सथाय, ठीक है ना। तो ये आपको देख लेना है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंप्यूटर के बेसिक में क्वेश्चन पूछा गया, तो कंप्यूटर आपको थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। माउंट एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ने वाली वाला व्यक्ति कौन था? तो लवराज सिंह धर्म सत्तु, ये आपके माउंट एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ने वाले व्यक्ति थे। और क्वेश्चन देख लेते हैं।
फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। गरुण शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति अभ्यास के होता है। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आमिर खान, ये भी कुछ मैं करा रखा हूँ तो उसको देख सकते हो। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ये भी करा रखा है तो राजीव कुमार उसमें से देख सकते हो। लोकसभा स्पीकर कौन है भाई? लोकसभा स्पीकर आपके सुमित्रा महाजन की है, ठीक है। 2017 के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन थे? 2017 के महबूबा मुफ्ती। किस अभिनेता को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है हाल ही में? तो अमिताभ बच्चन जी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति है। 2016 के ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को मिला है? तो स्पॉटलाइट मूवी थी जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था। अडोब के सीईओ कौन है? तो अडोब के सीईओ है शांतनु महाजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोकिया किस देश की कंपनी है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिनलैंड की कंपनी है, आपको सभी याद करके जाना है, ठीक है ना। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मालिक कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आया है तो आपको देख लेना है। चेन्नई सुपर किंग का मालिक है श्रीनिवासन। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4 से 2.8 के बीच में अगर कोई भी बोल देता है, अगर मान लीजिए 2.5 दे दिया तो वो भी आपका सिरका का पीएच मान हो जाएगा। 2.6 दे दी तो वो भी आपका सिरका का पीएच मान हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान क्या है? तो 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान, वो 6.7 दे देगा, सॉरी 6.4 देगा, क्योंकि 6.7 तो 7 के अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अम्ल का पीएच मान आपको मिल जाएगा 7 से कम। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। जिंक का परमाणु संख्या कितना होगा? 30 होगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या 40 है। नोबल गैस किस समूह में से बिलोंग करता है? तो नोबल गैस 18वें समूह से बिलोंग करता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। बल की ऐसा यूनिट क्या होगी? तो न्यूटन होगा बल का ऐसा यूनिट, ठीक है ना। पावर की ऐसा यूनिट वाट हो जाएगा। कौन सा ऐसा धातु है जो चमकदार होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर और आयोडीन बहुत ही क्या होता है कि धातु हैं जो चमकदार होते हैं। एल्किन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+CnH2n, ये आपका एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला ये एल्कीन अल्कीन अल्काइन, ये तीनों का फॉर्मूला आपको देखते जाना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई क्या है? तो Nm² अपॉन kg², तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई होगी, मतलब यूनिट होगी, ठीक है ना। आप क्वेश्चन कुछ मैथ से रिलेटेड रीजनिंग से, रेट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो रेट RAT उसका पूरा उल्टा कर लीजिए आप, TAR लिख दीजिए, तो टी और ए का वैसे ही रह जाएगा और आर थोड़ा उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका रेट का प्रतिबिंब। 2.5.4.7.6 इसके बाद क्या होगा? तो 2 से 5, ठीक है। तो आपको क्या होगा? 2 से 5, 2 से 5 की कितनी संख्या की बढ़ोतरी हो रही है? तो 2 से 5 से 5 तक 3 संख्याओं की बढ़ोतरी हो रही है। फिर 4 से 7 वहाँ पे देखिए 3 संख्याओं के, फिर 6 से कितना होगा 3 संख्याओं में, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 9। किसी संख्या का 35% 56 है तो संख्या क्या होगी? देखिए के मैंने किस संख्या, तो वहाँ पे एक्स लीजिए वाई लीजिए जो भी लीजिए, तो मैंने यहाँ पे के रखा है के गुना 35 अपॉन 100 = 56। तो आपको देखिए क्या है, 3500 किसके लिए मैंने, परसेंट के लिए मैंने 100 दे दिया, तो इक्वल हो जाएगा आपका 56। 56 है तो संख्या क्या होगी? यहाँ पे देखिए 7 से मैंने 5 को काटा, फिर 56 को 7 से ही काट दिया, तो 7 8 56, ठीक है। और फिर क्या कर दिया मैंने, 5 को 100 से काट दिया 20 बार में, ठीक है ना। और क्या हो गया, ये 20 को 8 से गुना कर दिया तो ये के हो जाएगा 160, तो आंसर हो जाएगा 160। दिल्ली भारत एशिया, तो यहाँ पे देखिए एशिया पहले आएगा, फिर उसके अंदर इंडिया, फिर उसके बाद दिल्ली, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये आपका वेन डायग्राम हो जाएगा। तो 25 + 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 5 - 2, तो ये आपको कैसे निकालना है? तो 25 + 2 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 25 + 6 कितना हो जाएगा 31। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया और कैनबरा क्या जो रिलेशनशिप होगा वो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी होगा कैनबरा और न्यूजीलैंड का राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे रीजनिंग इस टाइप के छोटे मोटे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी ऐसे टाइप के रीजनिंग है वो करके जाना है। मोबाइल और बैटरी, मोबाइल बैटरी का रिलेशनशिप होगा क्यों? मोबाइल किसे चलती है? बैटरी पे चलती है। और कार किसे चलेगी? वो पेट्रोल पे से चलेगी, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमेश का की पत्नी के भाई की इकलौती बहन का लड़का रमेश का क्या होगा? रमेश की पत्नी की भाई, रमेश का पत्नी का भाई रमेश का क्या होगा? साला होगा शायद, ठीक है। तो साला होगा, और उनके जो भाई की इकलौती बहन, तो मतलब उनकी पत्नी ही,
का लड़का रहने से क्या होगा, तो उनका जो मतलब पत्नी की लड़का मतलब उनका लड़का तो उनका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। 2017 की जो लता मंगेशकर अवार्ड, ये भी जावेद अख्तर, मैंने ये देखिए पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट थर्ड से भी पूछ दिया है, ठीक है। 2017 जो पद्मश्री, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, साक्षी चौधरी किस सेल्स से संबंधित है, तो साक्षी चौधरी ये आपके बॉक्सिंग से संबंधित है। ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, हाँ 100वां, ठीक है। जीएसटी का कब लागू किया गया था, तो जीएसटी 1 जुलाई 2018 को। सॉरी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था, असम के गुवाहाटी में लागू किया था। किसके उपलक्ष्य में, नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पर, तो वो क्या यहाँ पर जीएसटी को लागू कर दिया था। और जीएसटी से और एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे आपके अमिताभ बच्चन, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन जो आज के शिफ्ट में हुए हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देख लेना है, और ये आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में है उसको भेज दें, ठीक है, जिससे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको भी मतलब इसकी जानकारी मिल हो सके, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।